आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड को पीवीसी या स्मार्ट कार्ड में कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को पीवीसी या स्मार्ट कार्ड में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे। तो दोस्तों, चलिए अब आपको 2024 में वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने का लेटेस्ट प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। इसमें आपको सर्च करना है voters.eci.gov.in। इसे सर्च करने के बाद आप वोटर कार्ड के न्यू ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे। तो दोस्तों, इस नए पोर्टल पे आने के बाद वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में साइन अप का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, उसके बाद अपना लास्ट नेम फिल करेंगे। पासवर्ड में अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड उसी पासवर्ड को यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी को वेरीफाई करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है एंड पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में एंटर करेंगे एंड रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके फोन में फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है एंड उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आप वोटर कार्ड के किसी भी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को स्मार्ट कार्ड में डाउनलोड करने के लिए आपको राइट साइड में सर्विसेज वाला ऑप्शन में नीचे में आपको ई एपिक डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को आप यहाँ पे दो प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पहला एपिक नंबर से और दूसरा रेफरेंस नंबर से। एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है 10 डिजिट का, उससे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जब आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लास्ट में जो रिसीट निकलता है उस पे एक रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, ठीक है, तो आप उस रेफरेंस नंबर से भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो मैं यहाँ पे एपिक नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड के नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, अपना स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा, जैसे आपका नेम, फादर नेम और आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आके यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है एंड इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में डाउनलोड ई एपिक का यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डाउनलोड ई एपिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका वोटर आईडी कार्ड इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड किए गए फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका वोटर आईडी कार्ड दिखने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वोटर आईडी कार्ड को किसी भी साइबर कैफे में जाके स्मार्ट पीवीसी कार्ड में निकाल सकते हैं एंड इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद, जय भारत।